हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ तीसी का लड्डू। चलिए रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तीसी का लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप तीसी, 1 कप के करीब घी, 1/2 किलो गुड़, 500 ग्राम और मिक्स ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले हम तीसी को हल्का फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन गरम करते हैं और उसमें तीसी को डालकर फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस लाइट फ्राई करेंगे, इतना कि हमारा ये ग्राइंडर में पिसा जाए। जब ये हल्का फ्राई होने लगता है तो अच्छी खुशबू आने लगती है इससे। हमारा फ्राई हो गया, ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। इसमें से आवाजें भी निकलने लगती है। हमारा तीसी फ्राई हो गया है और हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी गरम कढ़ाई में जो हमारा ड्राई फ्रूट है उसे हम गरम कर लेंगे ताकि अच्छे से पिस जाए। हमारा ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो गया है, हम इसे निकाल कर इसे भी ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सर में पीस लेंगे। हमारा रेडी हो गया है तीसी पीस कर, हमने इसे पीस लिया है, ये बहुत अच्छे से पीसा गया है। अब हम इसे फिर से प्रोसेस करते हैं। हमारा ड्राई फ्रूट भी पीस गया है। अभी हम फिर से वही कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें घी डालेंगे लगभग 4 चम्मच के करीब। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें पीसे हुए तीसी को डालकर फिर से फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि ये चिपके नहीं। गैस को थोड़ा मीडियम कर लेंगे। एक मिनट तक इसे ऐसे ही चलाने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे ताकि
ताकि वो भी और अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ी देर से चलाने के बाद जो हमारे पास गुड़ है उसे हम इसमें डाल देंगे। गुड़ को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में डालेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। हम इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक कि गुड़ सारा मेल्ट ना हो जाए। हम इसे चलाते रहेंगे। अब हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। जैसे जैसे ये मेल्ट होगा वैसे वैसे हमारे लड्डू जैसे बनने लगेंगे, ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। ये लगभग मेल्ट हो गया है गुड़। अब हम लोग गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम लोग ठंडा इतना नहीं करना है कि फिर ये बंधे नहीं, बस जितना में हमारा हाथ सह सके उतना देर इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसकी लड्डू बांधेंगे। अभी मैं इसे अपने हाथों में लेकर ऐसे से गोल बनाएंगे, लड्डू का आकार दे देंगे। इस तरह से बनाते जाएं, हाथ में हल्का पानी लगा लें और इस तरह से गोल गोल बनाते चले जाएं। हमारा लड्डू तैयार हो गया है। अब आप इसे जैसे सजाना है वैसे सजाइए। हमारा पीसी का लड्डू रेडी हो गया है। आप इसे जैसे चाहें वैसे खाएं, महीने भर रख के खाएं, ये ख़राब नहीं होगा और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। सुबह सुबह बच्चों को एक लड्डू देकर भेजें, खिलाकर भेजें, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है ये। इसीलिए आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।